हर हर महादेव, दर्शकों जय महाकाल। आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है जिनके संतान नहीं हुई है या जिनकी वंश वृद्धि रुक गई है, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये उपाय नवरात्रि के तीसरे दिन, जिस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, उस दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस उपाय में आपको माँ चंद्रघंटा को जो चीज़ प्रिय है वो चीज़ आपको उन्हें समर्पित करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। माँ चंद्रघंटा को फल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो इसलिए आप तीसरे दिन, जो नवरात्रि का तीसरा दिन है, जिस दिन आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उस दिन आपको क्या करना है कि आपको माँ को 7 फल चढ़ाने हैं और 7 फलों के साथ साथ आपको आंवले का फल ज़रूर चढ़ाना है। आपको इस तरह से चढ़ाना है, आप थाली में आंवले की पत्तियों को रख लीजिए, सजा लीजिए, उसके बाद बीच में आपको आंवला रखना है और इधर उधर जो 7 फल हैं वो आप रख दीजिए। उसके बाद माँ चंद्रघंटा के सामने और थाली को आप जल के छिड़काव के साथ समर्पित कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप माता से विनती कीजिए। और इस तरीके से आप जब आप पूजा अर्चना करते हैं उस तरीके से आप पूजा अर्चना कीजिए, जैसे विधि विधान से डेली आप करते आ रहे हैं वैसे ही करनी है, लेकिन बस इसमें आपको 7 फल ज़रूर चढ़ाने हैं क्योंकि माँ को फल बहुत प्रिय हैं चंद्रघंटा माँ को। और बस पूजा अर्चना करके आप देखिए, इससे माता जरूर प्रसन्न होंगी और आपकी जो भी मनोकामना है संतान से संबंधित वो अवश्य पूरी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जय माता दी भी जरूर लिखिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।